आत्मा हवा की तरह है, पांच तत्व में एक तत्व है, वो हवा में उच्चरण करता है। तो अपनी योग्यता के अनुसार वो गर्व का चुनाव कर सकता है। अगर कोई बहुत ही दुष्ट व्यक्ति का है, दुष्ट प्रवृत्ति का रहा है, तो उसे गर्व मिलने में बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए कि इतनी बड़ी निगेटिव एनर्जी है कि उसको साधारण सा गर्व जो झेल नहीं पाएगा, कि उसके लिए उतनी गहरी और निगेटिव एनर्जी होनी चाहिए तभी वो उस गर्व में प्रवेश कर पाएगा। नहीं तो साधारण सा गर्व में प्रवेश करेगा तो जन्म लेते समय ये भी मर जाएगा और माँ भी मर जाएगी। और कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, बड़ा कहने का बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है, बहुत उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उसको भी इतना बड़ा पॉजिटिव है कि साधारण गर्व उसको झेल नहीं पाएगा। तो वो स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी एनर्जी के अनुसार वो गर्व खोजता है और गर्व में जा करके प्रवेश करता है। तो जब वो गर्व में प्रवेश करता है तो वो देखता है कि हम कहाँ पे जा करके जन्म लेंगे, कि जिससे हम लिए हैं और जिसको हम दिए हैं वो आदान प्रदान हो सके। वो सब कुछ जो कहते हैं कर्ज लिए हैं, जो बोलते हैं कि पिछले जन्म में हम लिए थे वो चुका रहे हैं, तो वही चीज है। तो जब जन्म लेते हैं तो जब तक कि उसके अंदर संसार नहीं आता है, छोटे बच्चे के अंदर वो ज्ञान चलता रहता है कि हाँ इससे लिए हैं, इसको देना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब उसके अंदर संसार घिर जाता है तो धीरे 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 सब भूल जाता है। जब वो भूल जाता है फिर भी आदान प्रदान होता है इसके अज्ञान में भी, तो जो एनर्जी है, जो परमात्मा है, वो सिस्टम ऐसा है जैसे कंप्यूटर में काम करता है, सॉफ्टवेयर कुछ भी डालेंगे तो वो निकाल करके देता है। तो उसी ढंग से ये ऑटोमेटिक से वो प्रकृति के द्वारा, अस्तित्व के द्वारा वो जो है आदान प्रदान होते रहता है। तो जन्म लेना कोई परमात्मा ने नहीं भेजा है। और जो कहते हैं भाग, तो जो कर्म किए वही आपका भाग्य है, और जो कर्म कर रहे हैं वही अपना भाग्य लिख रहे हैं, परमात्मा कोई भाग नहीं लिखे हैं। तो ये प्रारब्ध जो है आपके कर्म के अनुसार आप स्वयं निश्चित करते हैं, कोई परमात्मा निश्चित नहीं करता है। इसीलिए जब भीतर में कोई ऐसी बात चुभ जाती है, अध्यात्म की बातें चुभ जाती है, तो फिर उस मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे, अंतर्मुखी के मार्ग पे निकल जाते हैं। संसारिक बातें, कोई गहरी बात अगर चुभ जाती है तो अहंकार पे चोट लगता है, तो फिर उस चीज को करने के लिए, जैसे आपको किसी ने कह दिया कि अरे इसका क्या, इसको तो घर भी नहीं रहने के लिए, तो फिर वो व्यक्ति अगर बहुत बड़ा अहंकारी है तो जितना बड़ा अहंकार होगा उतना बड़ा वो घर बनाएगा और जल्द बनाएगा। तो प्रारब्ध कैसे काम करता है कि आप अपने भाग्य के अनुसार प्रारब्ध लेके आते हैं, कोई परमात्मा लिखता नहीं, और जन्म जो है वो तो आपका स्वयं का अधिकार है कि कहाँ आप लेंगे। और जो कह रहे हैं कि अलग योनि में जन्म लेते हैं, मनुष्य में आगे, तो आपके कर्म के अनुसार एक निश्चित ऐसा है कि अगर उससे आप बिलो जाएंगे तो थोड़ा सा बिलो भी जा सकते हैं, फिर उसके बाद में वहां से फिर आप निकल करके उस चीज को, उस कर्म को उस योनि में झेल करके फिर आप आएंगे यहाँ। तो अब जैसे कि इस मनुष्य में जन्म हो गया, आप किसी अगर जानवर को काटे हैं, पीटे हैं, इस जन्म में ही आपको मिल जाएगा अगर आपके पास वक्त है तो, आप चीज को अनुभव करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी को तकलीफ दिया, उसका रिटर्न एक साल के बाद या दो साल के बाद, एक महीने के बाद या कल ही मिल गया, आप वो जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो कुछ चीजें इसी जन्म में चुकता हो जाती है, कुछ जब छूट जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है, छूट जाती है, तो फिर वो व्यक्ति ऐसे जगह जन्म लेता है कि हम सारे कार्यों को जो है इवेन कर दे, बराबर कर दे, लेन देन को बराबर कर दे। और जब जब जैसे ही बराबर होता है, शून्य की अवस्था में आता है, तो वो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में जल्दी प्रवेश कर जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।